रामपुर के टांडा में एक झोला छाप के इंजेक्शन से एक व्यक्ति की मौत। मौत के बाद परिजनों ने झोला छाप के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, जिसमें पुलिस ने किया मृतक परिवार जनों पर लाठीचार्ज, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। गुस्साए मृतक के परिजन तहसील टांडा से रामपुर डीएम आवास पहुंचे और वहां पर डीएम से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तहरीर दी है। जनपद रामपुर के तहसील टांडा के तारका मजरा के उमेश कुमार की आज कुछ तबीयत खराब थी। उमेश कुमार गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के यहां गया, जहां उसके इंजेक्शन लगाने के बाद उमेश कुमार की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर जावेद के खिलाफ हंगामा किया और थाना टांडा में उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तहरीर दी। टांडा पुलिस ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। उसके बाद मृतक के परिजन कई ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर जिलाधिकारी के आवास का रुख किया और उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। मृतक के परिजनों से जिलाधिकारी ने मुलाकात की और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा और साथ ही साथ जो कोतवाल पर भी परिजनों ने आरोप लगाया है उसकी भी जाँच का आश्वासन जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों को दिया है। दवाई लेना है, उन्होंने पैसे दे रखे, कह रहे मैं पैसे भी क्या खाऊंगा और दवाई ले आऊंगा। इतने में फोन दू, फोन मैंने फोन पकड़ा तो फोन नहीं उठाया, फोन दुखा लिया डॉक्टर ने, तो जाकर देखा तो मुंह में झाग आ रहे, इंजेक्शन लगा रहे। किसके? आपके पति के? हाँ, इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने सामने, तो मैंने ये घर से सब जने बुला लिए। उन्होंने पैसे के कई बार पहले कह आए, उसकी बहन की शादी, तब पैसे दिए। अभी इन्होंने कहा है किसी झोला छाप डॉक्टर के बारे में कि उसके इंजेक्शन लगाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें एक तो इनसे हम तहरीर लेके इसमें जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो भी करेंगे और इस मामले में बाकी सारी जांचें भी करेंगे और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा। ताकि अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और जितने संबंधित साक्ष्य होंगे साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर लाठी चार्ज भी हुआ है, इन्होंने कोतवाल के ऊपर आरोप लगाया है, मेरी एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब खुद इस मामले की जांच करेंगे। सर झोला छापों का ये लगातार इस तरह के वारदात जिले में कोई इस तरह का नई आप चलाएंगे कुछ अभियान? देखिए हमारे यहाँ लगातार कार्रवाइयाँ भी करते रहे हम और जहाँ जहाँ सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई करते हैं। पिछले एक साल में बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके बावजूद कहीं अगर कहीं गली कोने में हैं तो इन सब मामलों की भी पड़ताल की जाएगी और मैं सीएमओ उससे भी बोलूँगा, इसमें पूरा अभियान चला के ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें।